तो चलो गाइस यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट से आज कौन से डिवाइसों को अपडेट्स देखने के लिए मिले। MIUI 12.5 का अपडेट आज किस डिवाइस में रिलीज किया गया, इंडिया में कौन से डिवाइस को अपडेट देखने के लिए मिले, इसके अलावा एंड्रॉइड 11 का अपडेट क्या देखने के लिए मिला भी है या फिर नहीं, इसके अलावा कुछ सिस्टम अपडेट्स है और यहाँ पर कौन सी न्यूज निकल के आई उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए गाइस यहाँ पर वीडियो को एंड तक देखते रहना, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करके रख लेना। तो फटाफट से मैं आप लोगों को बता देता हूँ सबसे पहले सिस्टम अपडेट्स के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो कुछ सिस्टम अपडेट्स देखने को मिले, यहाँ पर MI मूवर का एक न्यू अपडेट देखने को मिल जाता है, फिक्स अदर नाउन इशू एंड इम्प्रूव स्टेबिलिटी चेंजेस किए गए यहाँ पर इस अपडेट में, तो यहाँ पर इसका अपडेट आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पर सेटिंग्स का एक न्यू अपडेट देखने को मिल जाता है, अपडेट लॉग मेंशन नहीं किया गया लेकिन इसका भी एक न्यू अपडेट आ गया। इसके अलावा यहाँ पर MI म्यूजिक का एक न्यू अपडेट देखने को मिल जाता है, काफ़ी बड़ा चेंज लोग मेरे ख्याल से कोई यूज़ भी नहीं करता होगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैसेजिंग का भी एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहां पर स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स की गई है। इसके अलावा ऑप्टिमाइजेशन फॉर सम एक्सपीरियंस प्रॉब्लम, तो यहां पर ये मैसेजिंग में देखने के लिए मिल जाता है अपडेट। यहां पर ये उन्हीं में वर्क करेगा जिसके पास गूगल डायलर देखने के लिए नहीं मिलता, सिस्टम मैसेजिंग एप्स देखने के लिए मिलता उसी में ये वर्क करेगा, तो आप लोग उसको अपडेट कर सकते हो। इसके अलावा गेट एप्स के भी न्यू अपडेट देखने के मिले, जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो गेट ऐप का 17.6.1.0 का एक न्यू अपडेट देखने मिला है, बग फिक्स एंड ओवरऑल इंप्रूवमेंट्स। तो आज इन डिवाइस को कुछ सिस्टम अपडेट्स देखने के मिले थे। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूज के बारे में। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो Redmi Note 9 टच स्क्रीन इशू टू बी फिक्स वाया अपकमिंग अपडेट से मॉडरेटर, यानी कि यहां पर आप लोग बताओगे Redmi Note 9 में कुछ इश्यूज देखने के लिए मिल रहे हैं। अब यहां पर Redmi Note 9 के काफी सारे डिवाइस देखने के लिए मिल जाते हैं, यहां पर कुछ डिवाइस में एंड्रॉइड 11 अपडेट मिल चुका है, कुछ डिवाइस में ग्लोबल साइड में MIUI 12.5 का अपडेट मिल चुका है, लेकिन यहां पर ये इशू जरूर देखने के लिए मिला जो कि टच इशू है। यहां पर मॉडरेटर का फिलहाल के लिए यही कहना है कि जो भी इशू है आप लोग को फेस करने पड़ रहे वो आपको नेक्स्ट अपडेट में फिक्स होकर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहां पर देख सकते हो मॉडरेटर का क्लियर रिस्पांस है कि आपको अपकमिंग अपडेट्स में फिक्स होकर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप लोग Redmi Note 9 का डिवाइस है या फिर Redmi Note 9 सीरीज का कोई भी डिवाइस है, क्या आप लोग के डिवाइस में स्क्रीन टच इशू देखने के लिए मिल रहा है या फिर नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा कौन से न्यू बग्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में भी आप लोग मुझे जरूर बता देना। इसके अलावा यहां पर आप लोग देख सकते हो MIUI 12.5 अपडेट वोंट ब्रिंग सुपर वॉलपेपर टू लो एंड डिवाइसेस, यानी कि यहां पर कहा है Xiaomi की तरफ से बताया गया कि MIUI 12.5 अपडेट जब डिवाइसों में प्रोवाइड किया जाएगा तो यहां पर जो लो एंड डिवाइसेस है यानी कि जितने कम बजट के डिवाइस है उनमें MIUI सुपर वॉलपेपर का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहां पर इसके बारे में पहले ही Xiaomi ने बता दिया था, यहां पर क्लियर बताया मॉडरेटर ने भी कि जो भी सुपर वॉलपेपर वगैरह ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते तो वो AMOLED डिस्प्ले में ही सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर खास करके जितने बड़े बजट के डिवाइस है उन्हीं में ये फीचर देखने के लिए मिलेगा, उसके अलावा और किसी भी डिवाइस में देखने के लिए नहीं मिलेगा, और इसके बारे में पहले ही Xiaomi ने बताया था। तो यहाँ पर ये कुछ न्यूज़ थी। अब हम लोग बात करेंगे अपडेट्स के बारे में, आज किस डिवाइसों के लिए न्यू अपडेट प्रोवाइड किए गए। तो ये है गाइस अपडेट ट्रैकर, जैसे कि आप लोग देख सकते हो आज कौन से डिवाइस को अपडेट प्रोवाइड किया है। यहाँ पर Redmi 9 का ग्लोबल वेरियंट, यानी कि अभी भी जिनको ग्लोबल साइड में Redmi 9 प्राइम में Android 11 का अपडेट नहीं मिला था उनके लिए भी अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देख सकते हो Android 11 अपडेट है और यहाँ पर आपको Xiaomi क्लाउड्स में कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। ये अपडेट गाइस लगभग 2-3 वीक हो चुके डेली किसी ना किसी यूजर को देखने के लिए मिल रहा है ग्लोबल साइड में। इसका मतलब आप लोग खुद ही समझ लो कि अब इंडिया में ये अपडेट Redmi 9 प्राइम में बहुत ही जल्द रोल आउट होने वाला है, मतलब किसी भी वक्त रोल आउट हो सकता है, बस आप लोगों को थोड़ा सा वेट ही करना है। फिलहाल के लिए ग्लोबल की बात करूं, जिनके पास ग्लोबल का डिवाइस देखने के लिए मिलता है अगर आप लोग को अभी भी अपडेट नहीं मिला था तो उसकी लिंक्स मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहां से मैनुअली जाके अपडेट कर सकते हो अगर अपडेट नहीं मिला है तो। इसके अलावा एक चीज बोलना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया इसको ज्वाइन कर लेना, यहां पर कोई भी अपडेट्स आते तो कोई उसकी लिंक्स और उसकी न्यूज आपको सबसे पहले मैं यहीं पर सबसे पहले प्रोवाइड कराता रहता हूं, इसलिए जरूर ज्वाइन करके रख लेना। इसके अलावा नेक्स्ट डिवाइस की बात करूं तो Redmi 9T के लिए भी ग्लोबल में न्यू अपडेट प्रोवाइड किया गया है, MIUI 12.0.11.0 का अपडेट है। यहां पर ये कुछ डिवाइस को अपडेट कल देखने के लिए मिले, कुछ डिवाइस को आज देखने के लिए मिला है। इसके अलावा यहां पर नेक्स्ट डिवाइस की बात करूं पोको M3 के लिए ताइवान में न्यू अपडेट रिलीज किया गया, और यहां पर पोको M3 के इंडिया में अभी तक कोई न्यू अपडेट नहीं आया, तो आप लोग को जुलाई के एंड तक वेट कर लेना, बहुत ही जल्द आप लोग के लिए भी एक न्यू अपडेट प्रोवाइड हो सकता है। इसके अलावा यहां पर नेक्स्ट डिवाइस की बात करूं तो यहां पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा Redmi Note 10 Pro में ग्लोबल साइड में एक न्यू अपडेट किया गया, रोल आउट MIUI 12.5 का लेटेस्ट बिल्ड नंबर, यानी कि MIUI 12.5 ऑलरेडी मिल चुका है, उसका भी एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिल चुका है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ, और यहां पर नोटिफिकेशन वगैरह में आप लोगों को कुछ चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग इसका चेंज लॉग देख सकते हो। MI 10 Pro के लिए ग्लोबल साइड में भी MIUI 12.5 का अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है एंड्रॉइड 11 अपडेट के साथ। गाइस यहां पर कल Redmi Note 9 Pro Max के लिए इंडिया में जिनको अभी तक अपडेट नहीं मिला था एंड्रॉइड 11 का, आप लोगों को पता है इंडिया में अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन अभी भी कुछ यूजर है जिनको अपडेट नहीं मिला, तो उनके लिए कल कुछ यूजर को अपडेट देखने के लिए मिला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो Redmi Note 9 Pro Max है इंडियन वेरिएंट,
वेरिएंट है और यहाँ पर एंड्रॉइड 11 अपडेट है लेटेस्ट बिल्ड नंबर के साथ MIUI 12.0.1.0 का। वैसे यहाँ पर मैं आप लोग बता दूँ, ये अपडेट अगर आप लोग को नहीं मिला तो इसकी लिंक्स मैंने ऑलरेडी पहले से ही आप लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी है, तो वहाँ से आप लोग मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। चूज़ अपडेट पैकेज की मदद से कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। और गाइज़ यहाँ पर इस अपडेट में कौन से फीचर्स मिलते, क्या नया मिलता है, तो उसकी रिव्यू का वीडियो भी मैंने बना दिया, तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, एक बार रिव्यू का वीडियो भी जाकर आप लोग ज़रूर देख सकते हो। और यहाँ पर आप लोग जिनको अभी तक अपडेट नहीं मिला रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में, तो गाइज़ यहाँ पर आने वाले 1 वीक में फिर से रिलीज़ हो जाएगा जिनको अभी तक अपडेट नहीं मिला उनको। और गाइज़ यहाँ पर अगर बात करूँ रेडमी नोट 9 की, तो यहाँ पर रेडमी नोट 9 यूज़र के भी कमेंट्स आ रहे थे रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में मिलना स्टार्ट हो गया, तो रेडमी नोट 9 में कब मिलेगा अपडेट, तो थोड़ा सा वेट करो, जब Redmi Note 9 Pro Max में अपडेट मिलना स्टार्ट हो गया तो Redmi Note 9 में एनी टाइम अपडेट आ सकता है। वैसे उसके ऊपर मैंने कल ही एक वीडियो बना दी थी, आपको आई बटन में मिल जाएगी, एक बार जाकर जरूर चेक कर लेना। इसके अलावा गाइज अगर मैं बात करूँ यहाँ पर Redmi Note 8 के बारे में, तो Redmi Note 8 के लिए अभी भी गाइज कोई भी न्यू अपडेट देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर होप यही है कि जल्द से जल्द आप लोग अपडेट प्रोवाइड किया जाए Xiaomi की तरफ से, जो कि जुलाई के मंथ में देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा सा यार वेट करो, वेट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, फिलहाल वेट करो, जैसे अपडेट आएगा मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके लिए गाइज यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और गाइज उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आज कुछ डिवाइस को अपडेट्स देखने के लिए मिलते, जो भी मिले थे आज और कल वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अगर वीडियो पसंद आई इसको लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गाइज यहाँ पर काफी सारे यूजर ऐसे वीडियो देख कर जाते हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा मत करो, फ्री में होता है सब्सक्राइब, नीचे लाल बटन सब्सक्राइब लिखा उसको प्रेस कर दो, कुछ भी नहीं करना उसके अलावा, और यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो।